देखें जी व्यूवर्स, ये मैंने इसको डिश आउट कर लिया है और ये किस कदर मज़े की लग रही है। ये शक्ल से ही इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही है कि खाते हुए तो जो ना, मेरे बात करते हुए आप लोगों को वीडियो दिखाते हुए मेरे मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है। इट्स वेरी यमी एंड डिलीशियस। सो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी, आप इस तरीके से बनाएं और फिर उसके बाद मुझे कॉमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को हमारी रेसिपी कैसी लगी और इस तरीके से बना के आपको खाना कैसा लगा। ठीक है, तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये चिकन धुल रही है, सो आज हम बना रहे हैं बिरयानी। बहुत ही मज़े की बिरयानी बनाने वाली है मेरी छोटी बहन, और ये मेरी फ्रेंड है, वो मुझे आई है हेल्प करने के लिए। वो मेरी चिकन धुलवा रही है और मैं मूवी जो है वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। सो सबसे पहले तो हम चिकन धोएंगे। ठीक है, चिकन धुल रही है अभी, आप लोग देखते रहे कि चिकन कैसे धुलती है साफ़ सुथरी। और उसके बाद ये कुछ मैरिनेशन हुई हुई है और इसमें ये दही में थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड किया है, हरी मिर्चें ऐड की हैं और कुछ टमाटर ऐड किए हैं। आज थोड़ी डिफरेंट किस्म की हम लोग बिरयानी बनाएंगे और आप देखिएगा इस तरह से बना के बड़ी मज़े की बनती है। हम लोगों ने खाई भी है इस तरह से बना के, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँ। तो दही के अंदर हमने थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड किया है, ठीक है, और उसके अलावा हमने इसमें टमाटर बड़े बड़े पीसेज, ये देखिए टमाटर के पीसेज हैं, आपको दिखाती हूँ, ये टमाटर के पीसेज हैं कटिंग करके डालें। इसमें हरी मिर्चें हैं, ठीक है, ये हमने एक पेस्ट तैयार कर लेना है। तकरीबन दही हमारा इसमें था, एक मुर्गी है, ये मुर्गी धुल रही है, एक मुर्गी है और दही जो है वो हमारा आधा किलो है। आधा किलो दही में हमने तकरीबन चार दरमियाने टमाटर काट के डाले और हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक बना सकते हैं, उतनी आप ऐड कर लें। अच्छा व्यूवर्स, एक और चीज़ मैं आपको बता रही चलूँ, इसमें हमने पुदीना भी ऐड किया है, ठीक है। तो पुदीने के लीव्स जो है उससे आपको पता है खुशबू बहुत अच्छी आती है बिरयानी में, वो आप ऐड कर लें। ये हमने प्याज लिए हैं, तकरीबन तीन दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, ठीक है। इसमें चार हरी मिर्चें ले ली हैं, लेमन लिया है, टमाटो पेस्ट हमने बना लिया है जी तकरीबन चार से पांच टमाटरों का, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। कुछ लोग खटाई ज़रा ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा लहसुन अदरक का पेस्ट, ये तकरीबन दो बड़े टेबल स्पून है, और ये मेरी बहन ने जो है वो रायता भी कुछ तैयार कर लिया है, ठीक है। और अभी ये रायता तैयार नहीं हुआ प्रॉपरली, इसमें टमाटर और खीरे डले हैं और थोड़ा सा हम प्याज ऐड करेंगे और दही है, तो इससे जो है वो रायते से और ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाएगा। उसके अलावा हमने थोड़ी सी ये इसमें इमली ऐड करने, इमली के साथ जो है वो खटाई बनती है और बहुत मज़े का टेस्ट हो जाता है, ठीक है, इमली ऐड करेंगे। और इसके अलावा थोड़ा सा हमने ये आलू बुखारा लिया है और बिरयानी मसाला जो है वो मैं शान का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे शान के मसाले बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा हमने थोड़ा सा जो है ये फूड कलर जो है ये जर्दे का रंग होता है येलो कलर का, ये यूज़ किया है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसीजर। सबसे पहले आप एक कढ़ाई लें, इसके अंदर आपने ऑयल को गर्म कर लिया, ठीक है, ऑयल तकरीबन एक कप डल गया इसके अंदर क्योंकि बिरयानी में थोड़ा मसाला होता है तो उसमें ऑयल मतलब सालन से थोड़ा सा ज़्यादा डलता है। अच्छा जी, आप इसमें प्याज ऐड कर लें, प्याज को आपने हल्का ब्राउन, हल्का सा जब वो गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाए तो आपने उसको फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर आपको बताती हूँ मैं कि हमने क्या करना है। अच्छा जी, प्याज को हम थोड़ा सा ज़रा मिक्स कर लें ऑयल में, इसमें शुरू में आप तेज़ आंच रखें, ठीक है, उसके बाद आप जब ये थोड़ा सा ज़रा ट्रांसलूसेंट सा हो जाएगा, अपना कलर चेंज करेगा, तो उसके बाद हम थोड़ा सा इसको हल्की आंच कर देंगे ताकि प्याज जल ना जाए। तो अभी इसको आप छोड़ दें थोड़ी देर के लिए क्योंकि प्याज को ज़रा जो है वो गोल्डन थोड़ा सा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इतनी देर तक मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, ये हमने पानी रख दिया है साथ ही, ये देखें तेज़ आंच की हुई है, चावल बॉईल करने के लिए मैंने इसमें पानी रखा है और इसमें थोड़ा सा हमने ज़ीरा ऐड किया है, थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है। ऑयल ऐड करने से ये होता है कि आपके जो चावल हैं वो जुड़ते नहीं हैं आपस में और बहुत खिले खिले से नज़र आते हैं, ठीक है। और नमक इसमें ऐड करेंगे हसबी जायका, जितना आप पेस्ट होगा बॉयल करते वक्त नमक डालते हैं ताकि चावल जो है वो नमकीन हो और बाकी जो है वो मसाले में सारा मसाला डला हुआ होता है। अच्छा व्यूवर्स, ब्राउन हो गया है प्याज हमारा, ठीक है, अब इसमें हम मुर्गी ऐड कर देंगे, ये तकरीबन एक मुर्गी से थोड़ी सी ज़्यादा है, एक पूरी मुर्गी है और उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, ये हम सारी इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें अपने जो आलू, सॉरी मैं आपको बताना भूल गई थी, आलू इसमें हम लोग तो बिरयानी में आलू डालते हैं, अक्सर लोग बिरयानी में आलू नहीं डालते, तो हम लोगों ने तकरीबन दो बड़े आलू लिए, उनको इस तरह से पीसीज में हमने, ये देखें इस तरह के साइज़ के पीसीज में हमने कटिंग कर दिया, ठीक है। अब आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें,
आंच हमने जो है वो हल्की रखी हुई है। इसमें आप लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करें, तकरीबन 2 बड़े टेबलस्पून चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने कढ़ाई छोटी और सामान ज़्यादा इस्तेमाल किया है इसमें। बहरहाल आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे आप। अच्छा जी व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो देगचा है ना कढ़ाई में हम बना रहे थे तो वो ज़रा छोटा पड़ गया था, तो अब हमने सारा मटेरियल जो है वो एक बड़े देगचे में शिफ्ट कर दिया है। इसको आप अच्छे तरीके से मिक्स कर दें और उसके बाद आप थोड़ा सा इसको जो है वो गलने के लिए रखें, क्योंकि जब हम समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी बिरयानी में ना चिकन की बोटियाँ थोड़ी सी ना कच्ची रह जाती हैं, हल्की सी ना, मतलब कच्ची नहीं हल्की सी ना, वो ऐसे लग रहा होता है जैसे वेल डन नहीं है, तो हम लोगों ने वेल डन इसको करना है। इसीलिए हम क्या करेंगे कि पहले हम चिकन और आलू को जो है ना वो तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हम इसको पका लेंगे, उसके बाद हम इसमें जो हमारे दीगर मसाला जाते हैं हमने जो ऐड करना है इसके अंदर चीज़ें, तो वो हम इसके बाद ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलें जी इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, फ्राई कर रहे हैं, और दूसरे चूल्हे पे हमारा पानी भी उबल चुका है, इसमें हमने लेमन थोड़ा सा काट के डाला था। इससे भी ये होता है कि चावल जुड़ते नहीं हैं और चावल निखरे निखरे नज़र आते हैं। तो आप इसको फ्राई कर लें, ठीक है, थोड़ा सा, और उसके बाद थोड़ा सा फ्राई करने के बाद इसको आप थोड़ा सा ढक के रख दें बेशक, ताकि ये अपनी स्टीम में ही तकरीबन हाफ से ज़्यादा पक जाए। ठीक है, अच्छा, चावलों को जो है ना वो हमने भिगोया था तकरीबन हाफ एन आवर के लिए। ये देखें भीगे हुए चावल हैं, पानी इसका निचोड़ के अब इस चावलों को आप इस देगचे में सारे डाल दें, सारे इसमें हम ऐड कर देंगे चावल। दूसरी साइड पे ये देखें चिकन जो है वो कुक हो रहा है आलूओं के साथ। प्याज को आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ठीक है ना, क्योंकि वरना अगर ज़्यादा ब्राउन कर देंगे तो वो फिर जल जाएगा। अच्छा व्यूअर्स, इसमें हमने क्या करना है कि हम आधा चम्मच जो है वो नमक ऐड करेंगे अब। ठीक है, जो बिरयानी मसाला है वो तो ऑलरेडी हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है, लेकिन हम इसमें थोड़े से घर के मसाले भी ऐड करेंगे। तो नमक ऐड कर दिया आधा चम्मच, अब इसमें आधा चम्मच तकरीबन लाल मिर्चें जा रही हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने एक चम्मच जो है वो कम्प्लीटली वो डालना है इसमें पिसा हुआ धनिया। अब हम ऐड करेंगे इसके अंदर आधा चम्मच ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, और इसमें हमने ऐड करना है जी थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, तकरीबन ये देखिए थोड़ा सा है, 2 चुटकियां आप समझ लें। ठीक है, अब आप इसको मिक्स कर लेंगे। मसाले अगर आप तेज़ खाना चाहते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच मिर्चें डाल दें, और इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा मसाला नहीं खाते इसलिए हमने ज़्यादा मिर्चें इसमें ऐड नहीं की और बाकी मसाले भी हमने नॉर्मल रखे हैं। तो आप मिक्स कर लें, इसी तरीके से आप भून भून के इसको बना लेंगे। अगर चाहें तो ढक भी सकते हैं चावलों को भी। ये देखें आप बॉयल जो है वो आ रहा है, चावल बॉयल हो रहे हैं। चावल आपने जो है वो पूरे वेल डन नहीं करने, आपने पूरी तरह से नहीं बॉयल करने, आपने चावलों को तकरीबन 1 कनी इसमें रहने देनी है। 3 हिस्से ये पका हुआ हो और 1 हिस्सा इसमें अभी और गुंजाइश हो पकने की, क्योंकि हमने इसको दम पे बनाना है। तो अब हम मसाले हमने ऐड कर दिए हैं, अब हम इसमें डालेंगे टमाटो पेस्ट, जो मैंने आपको पहले बताया था कि टमाटरों का हमने पेस्ट बना लेना है, वो हम ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और आपने ये मीडियम फ्लेम ही रखना है, चावलों का फ्लेम जो है वो हाई है क्योंकि हमने चावल बॉईल करने हैं, अभी इसका मीडियम फ्लेम है चिकन का। अच्छा जी, अब हम इसमें थोड़ा सा बिरयानी मसाला भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे मसाले के अंदर, और चिकन और आलू जो है वो, ताकि बिरयानी मसाले की इसके अंदर टेस्ट आए, खुशबू आए। वैसे तो हमने एंड में दही में जो मैरिनेट किया है वो भी हमने डालना है, लेकिन अभी जो है वो चिकन की भुनाई के वक्त भी हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। अच्छा देखिए व्यूवर्स, इसमें हमने ना थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल थोड़ा सा और ढक दिया चिकन को, ताकि ये जो है वो अच्छे तरीके से
गल जाए। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप भून भून के करना चाह रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अगर आप पानी इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा, तो तब ये जल्दी थोड़ा सा गल जाएगा। ठीक है, ये देखें व्यूवर्स कितने मज़े का जो है वो ऑयल निकल आया चिकन के ऊपर से, और मसाला हमारा तैयार हो गया है। अब जब चिकन गल जाएगी तो अब हमने इसमें ये जो मैरिनेट किया हुआ दही था, टमाटर, हरी मिर्चें और पुदीना और एक कंप्लीट बिरयानी मसाला, हम ये इसमें ऐड कर देंगे। इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सारा इसके अंदर बिरयानी मसाला और सारा कुछ ऐड हो गया। इसमें थोड़ा जो मसाला लगा रह गया था उसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया और वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब आप इसको थोड़ा सा तेज़ आंच कर लें क्योंकि दही थोड़ा सा अपना पानी छोड़ता है, हमने इसको बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। ठीक है, क्योंकि चिकन हमारी गल चुकी है और हम जो एक होता है ना दही के अंदर बहुत ज़्यादा भुनाई होती है, वो हमने इतनी ज़्यादा नहीं करनी। देखें व्यूवर्स, ये जो हमारे टमाटर आपको नज़र आ रहे हैं ना बड़े बड़े, ये देखें स्लाइस में आपको दिखाती हूँ इसका। ये देखें काफ़ी बड़े बड़े स्लाइस के टमाटर हैं। ठीक है, बिल्कुल इनका कोई आपने कोई वो नहीं है, साइज़ एक नहीं है कि आपने इस साइज़ के काटने। और जब ये बड़े बड़े टमाटर जो है ना बिरयानी में आते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, और इनका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। तो आपने इसको थोड़ा सा तेज़ आँच पे अब थोड़ा भुनाई कर लेनी है। चावल हमारे ऑलरेडी बॉयल हुए हुए हैं, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ थोड़ी सी इसकी भुनाई करने के बाद। व्यूवर्स, अब चावल जो है वो हमारे बॉईल हो चुके हैं। ठीक है, अब हम इनको लेके जा रहे हैं और इनको हम जो है वो स्ट्रेन कर देंगे, छान लेंगे चावलों को। एक कनी अभी इसमें रहती है। ठीक है, इसको आप अच्छे तरीके से छान लें चावलों को। उसके बाद अब हम मसाला अभी हमारा तैयार हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि क्या होगा। अच्छा जी व्यूवर्स, ये देखें दही का जो हमने पेस्ट बनाया हुआ था, मिक्सचर तैयार किया हुआ था, उसके डालने के बाद हमने थोड़ी सी भुनाई की है और अब मसाले ने दोबारा से इसका ऑयल छोड़ दिया। इसका मतलब है कि मसाला हमारा रेडी हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने ये देखें जी चावल जो हमने एक तह लगाई है चावलों की और उसके ऊपर थोड़ा सा जर्दे का रंग जो है वो हमने स्प्रिंकल किया है। अब हम क्या करेंगे कि इस पे एक तह चावलों की लगाई है हमने, थोड़ा सा ये जर्दे का रंग स्प्रिंकल किया है। अब इसमें हमने मसाला जो है वो ऐड करना है। अब हम चिकन को जो है वो एक प्रोपोर्शन के साथ इसके ऊपर ऐड करते जाएंगे, लेयर एक लगा देंगे इसकी। हमने इसके ऊपर दूसरी चावलों की लेयर डाल दी है। ठीक है, अब हम इसमें और मसाला ऐड करेंगे। इसी तरीके से आपने जो है इसके ऊपर मसाले की एक चावलों की लेयर लगानी है सबसे पहले, फिर आपने मसाले की लेयर लगानी है, फिर दोबारा आप चावलों की एक लेयर लगाएंगे और फिर मसाला इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छा जी, अब हमने क्या किया है कि चावलों की और मसाले की हमने लेयर्स लगा ली हैं। अब ये एक एल्युमिनियम फॉइल हम लेंगे। ठीक है, और पीस उसका कटिंग करके हम इसके बराबर इसको लगा देंगे ताकि ज़रा सी भी जो है वो हीट बाहर ना आ सके। अच्छा जी, ये देखिए मैंने हल्की आंच हम लोगों ने कर दी है, तवा इसके ऊपर रखा है ताकि चावल जो है वो चिपके नहीं। और अब तकरीबन हम इसको 15 से 20 मिनट का दम देंगे ताकि जो एक कनी चावलों की रह गई है वो भी इसमें पक जाए और चावलों में जो है वो बिरयानी मसाले का और जो हमने सारा कुकिंग किया है एक अलग से चिकन का सालन सा बनाया है वो टेस्ट चावलों में आ जाए। तो 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ डिश आउट करके भी कि ये कैसा लगता है। ओके व्यूवर्स, तो अब मैं दम जो है वो खोलने लगी हूँ। ठीक है, धुएँ छुएँ निकल रहे हैं इसके अंदर से काफ़ी अच्छे और अब जो है हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे चावलों को।
और फाइनली मैं जो है इसको आप आउट करके भी दिखाती हूँ। ये देखें जी व्यूवर्स, बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। मैंने इसको डिश आउट भी कर लिया है, ठीक है। और ये बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत मज़े की बिरयानी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, और फिर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ठीक है। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।